सदर कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की लूट का आज 4 दिन बाद कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मिलकर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, 2 तमंचे और लूट में प्रयुक्त 2 बाइक भी बरामद की है। दरअसल 30 सितम्बर की दोपहर कोतवाली इलाके स्थित प्रिंस रोड पर चड्डा कंपनी के कर्मचारी संजीव से अज्ञात बदमाशों ने मारपीट करते हुए उसका रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। इस लूट की घटना ने जनपद भर में हड़कंप मचा दिया था। इस लुटेरों की फोटो वहां लगे सीसीटीवी में कैद होने के बाद मुरादाबाद पुलिस हरकत में आई। अब 4 दिन बाद लूट की घटना को अंजाम देने वाले तुषार, अमित, अर्जुन और अभिषेक नाम के लुटेरों को लगभग 3 लाख रुपए की नकदी, 2 तमंचे और लूट की घटना में प्रयोग की गई 2 बाइक भी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए 4 आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रिंस रोड पर 30 तारीख को लगभग 1:30 बजे दोपहर में एक कलेक्शन एजेंट से एक छिनैती की घटना हुई थी। आप सब अवगत हैं इसके बारे में। इसमें जो कलेक्शन एजेंट था संजीव, ये चड्ढा कंपनी जो वाइन शॉप्स उनके होते हैं उनके लिए कलेक्शन एजेंट का काम कर रहा था और ये 2-4 जगहों से कलेक्शन करने के बाद थैला लेकर कंपनी में पैसा जमा कराने जा रहा था। उस वक्त इसके साथ ये घटना घटी थी। इसमें हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में हमारी टीमें लगी थी। हमारी जनपद की जो एसओजी टीम थी ये लगी हुई थी लगातार काम करने पे, और बहुत सारे क्लूज़ हमें मौके से मिले थे। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके पोजिशन से पैसे जो लूटे गए थे वो पैसे बरामद हुए हैं। लगभग जितना पैसा लूटा गया था उसके लगभग बराबर पैसा हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। इनके पोजीशन से असलहे भी बरामद हुए हैं और जो बाकी बाइक्स और मोबाइल्स जो इन लोगों ने इसमें यूज़ किया था पूरे घटनाक्रम, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें मैं जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मास्टरमाइंड है वो अभिषेक भटनागर है, जो चड्ढा ग्रुप में ही सेल्समैन के रूप में काम करता था और उसी ने अपने कज़न तुषार भटनागर को इस घटना करने के लिए प्रेरित किया और इस दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी। और उसमें एक अर्जुन सैनी और अमित कश्यप, इन जो तीनों हैं ये हरथला के निवासी हैं और इन लोगों ने प्लान करके और उसके बाद इस घटना को कारित किया था। जो कलेक्शन एजेंट था उसके बारे में जानकारी देने वाला ये अभिषेक भटनागर था जो सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था, और उसके बारे में फिर इन लोगों ने प्लानिंग करी। काफ़ी दिनों से इन लोगों ने उस एरिया में रेकी करी और रेकी करने के बाद इन लोगों ने 30 नौ को इस घटना को अंजाम दिया गया। हम लोगों ने इसमें 100% रिकवरी की है, असलहे बरामद किए हैं, इस पूरे घटना का अनावरण हुआ है और इनके विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें इनको जेल भेजा जा रहा है और इनसे पूछताछ की गई है। इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाए। देखिए, ये लोग बेसिकली पैसे लूटने का काम इसलिए किया कि इनको पैसे की ज़रूरत थी। जैसा कि बताया गया कि अभिषेक भटनागर ने इसकी प्लानिंग करी थी और उसने और तुषार ने सबने मिल के, चूँकि सबको पैसे की ज़रूरत थी, फिर सबने प्लान किया कि भाई हम लोग लूटपाट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, और उसी के बाद इन लोगों ने सारे जो लूटे गए पैसे थे आपस में बंटवारे भी कर लिए थे, सभी के पोजीशन से वो पैसे बरामद हुए। इसमें इस घटना को वर्कआउट करने की वाली टीम को SSP महोदय की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया।